जमाई राजा, जमाई राजा, तुम्हारी अकल में क्या पत्थर पड़ गए? अरे दुनिया कहे तो कहे, दुनिया माने तो माने, तुम भी मान बैठे कि हमारी बिटिया चोर है, फल्लू को मार के। सासुमा, दरअसल बात कुछ और है। कई बात कुछ और है। मैं गई थी इनके घर, पर गैस बुझा हुआ गई थी, पर माने कहीं पता तो कि मारी जिंदगी में आग लग जाएगा। चौपट हो गई जिंदगी, चौपट हो गया धंधा। बिलौटी, कानून होता है अंधा। और वेल बिलौटी, तुम्हारे खिलाफ मिले हैं गवाह और सबूत इसदा। मेरी एक पड़ोसन मुझे बंदर के साथ साथ कहती थी भूत इसदा है। ए, आयो मायो, पिंगी पिंगी, आवा तावा, खचर पचर। अबे तो क्या करूं मैं, शर्म नहीं आती मुझे, बेशरम बोलते हो तुझे। एक तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लग गया, अब जेल भी जाना पड़ेगा। मुझे मदद करने की बजाय तुम करके हंस रहे हो। मैं कहां हंस रहा हूं बिलौटी? बस मामी, ये बाप का एक भी आंसू बहाना तुम्हारे से रहा नहीं जाएगा। हम सब ने यकीन है कि आपने कोई चोरी वोरी ना की है। बिलो, जीजू सुना आपने? सब लोग क्या बातें कर रहे हैं जीजू? हाँ, मैंने सुन लिया है और पता भी लगा लिया है कि सारे सबूत और गवाह बिलोटी के खिलाफ है। इसलिए बिलोटी को हिरासत में लेकर हवालात में रखना हो। जीजाजी, आप भी ऐसे बोल रहे हो? अरे ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं जी, कि जिस औरत का पूरा खानदान पुलिस में हो, अरे इसका पति पुलिस में, भाई पुलिस में, इसका जेठ पुलिस में, जिसके ससुर पुलिस में, वो हवालात में रहेगी पल्लू घुमा के। एक्सक्यूज मी मैडम, जब तक आप यहाँ हवालात में हैं तब तक चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपका पार्लर अच्छे से संभाल लेंगे, क्योंकि डैडी फोर्ट में और मम्मी कोर्ट में। बिलो, बिलोटी को हवालात में लेके जाओ। बिलौटी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बाहर से बात मत करो, डैडी राजस्थानी है। देखो ऐसे गुस्सा मत करो ना बिलौटी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो मैं अपने हाथों से पका के लाया हूँ तुम्हारे लिए पुलाव, खा लो ना। नहीं खानो, मैं जब तक अड़े जेल में हूँ मैंने कहीं नहीं खानो। देखो बिलौटी, ऐसे जिद नहीं करते, तुमको मेरी झूठी कसम है। मैं देखो, अगर तुम ऐसे करोगी ना तो फिर मैंने भी कुछ भी नहीं खाया, और मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा जब तक मैं तुमको यहाँ से छुड़ा नहीं लेता। देखो कुछ खाया नहीं ना, तो खाली पेट मुझे गैस हो गई है। टूट जाऊंगी नहीं जेल से। ये क्या बेकार की बातें कर रही हो बिलौटी? तुम मतलब तुमको क्या पता नहीं है क्या कि कोर्ट कचहरी का क्या होता है? मतलब बहुत लंबा नपता है आदमी, एक बार पकड़ा गया तो 20-25 साल भी लग सकते हैं। अबे क्या बोल रहे? तब तक भूखी बैठोगी क्या? नहीं नहीं, खाओ फिर। नहीं नहीं, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा ना, मैंने बनाया। स्माइल प्लीज। खिलाओ, खूब खिलाओ। अरे हमें तो पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, है? अरे पुलिस वाले हो तो क्या आपने बीबी को बिरयानी खिलाओगे? तुम कहां से आए हो? खिड़की से। यार खिड़की बंद रखा करो ना। यार बंद कराओ या खुली रखो, हम तो आ गए ना। और सुनो, तुम्हारी दोनों की फोटो जो है हमने खींच ली है, अब कल के अखबार में फोटो के साथ जो है न्यूज छपेगी। हाँ, अब तो तुम्हारी नौकरी गई। ये लो साथियों चाबी। अबे ज़ालिम सिंह, तूने किसानों का बहुत खून पी लिया, लेकिन अब किसान जाग उठा है और अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेगा, बदला। अब तुझे किसानों से कोई नहीं बचा सकता। तिजोरी की चाबी तो गई, अब तू भी गया ज़ालिम सिंह। तेरे पास अगर
कुछ हो गया है क्या? हाय दया मोरी मैया, यही दिन देखने बाकी रह गए पल्लू घुमा के। आयो मायो इंपली पिंपली चिपली खचर पचर खचर पचर। मैं क्या कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि बिलौटी को आप लॉकअप से बाहर निकलवा लें। उसकी जगह उसकी माँ को अंदर कर दें। जमाई राजा, कुछ कही तुमने हा? कुछ कही तुमने हमसे पल्लू घुमा के? हाँ मतलब किसी को तो बदले में अंदर रहना पड़ेगा ना सासू माँ। वो तो ठीक है। ये 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 सॉरी सॉरी। हाँ बिल्लू, किसी तरह से भी ये पता लगाओ कि वो दोनों चोर कौन हैं, नहीं तो तुम्हारी बिलौटी की सजा पक्की समझो। नहीं सर, बिलौटी मामी ने सजाना उन्हें दूंगी मैं। मन्ने याद आ रहा है कि मारी चौकी में कुछ दिन पहले एक केस आया था, वो क्या पगली पगली पार्लर वाली का। उसके यहाँ जो आदमी गया था उसकी आधी मूछ काट दी थी उसने, और उस आदमी ने यो बात कही थी कि जब उसके घर में चोरी हुई तो वो पार्लर में था, और ये जो चोरियां हुई है ना अभी दो, वो दोनों आंटियां पार्लर में थी। मतलब हो ना हो पार्लर और चोरी का कुछ तो झोल झबाटा हो रखा है भाई। Well, तो अब हमें करना चाहिए क्या इज्जा? लड़कियां अभी करना चाहती हैं मुझसे ब्याह इज्जा। डैडी जी मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। सॉरी सॉरी। मैडम तू ना वो पगली ब्यूटी पार्लर वाली को और जिसके घर चोरी हुई थी उन दोनों को हम चौकी बुलाए। हाँ ठीक कहा तेने, बुलवाओ दोनों ने चौकी में। समझाया था मैंने तो बिलौटी को, बहुत समझाया था कि मत खोलो पार्लर, लेकिन देखिए ना बेफालतू में मेरी स्कूटर भी बेच दी उसने और खुद जेल चली गई। बहुत दुखी हूं मैं। और पकड़ू तकड़ू कचड़ू खचर पचर। अरे कहाँ पप्पू, अभी तो सिर्फ सात के लिखा है, ये सारे खत्म करूंगा ना तब जाके मेरा थोड़ा बहुत पेट भरेगा। अरे थे बेटा बेटा बातें ही करता रहोगा कि मैंने अड्डे से निकालोगा भी, डैडी राजस्थानी है। हाँ तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ ना, कौन सा मैं कोई दूसरी शादी की प्लानिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। वेल मस्त करो आपस में झगड़ा, इज्जा मामला है तगड़ा इज्जा है। हाँ भाई मालपुआ धकोसते रहियो, क्यों ना रखा जरा मन ने बता दे कि वो पगली ब्यूटी पार्लर वाली और वो लुट गया इंसान अब तक क्यों ना आया। वेल मेरा पुत्र कैरी ऑन इज द, उसको लेने गया है गॉन इज द। मैं कहता हूँ फलवान मैडम, आप लोगों ने हम दोनों को बुलवाया और हम लोग यहाँ पे दौड़े दौड़े चले आए। अब आप मुझे बताइए कि मेरे घर में जो चोरी हुई थी वो माल मिल गया या नहीं मिला? तू चुप करेगा? हाँ भाई थारे पार्लर में जब ये फेशियल करवाने आया था अपना और जब इसके घर में चोरी हुई, थारे पार्लर में कौन कौन था भाई? मैं थी, ये थे मेरे दो असिस्टेंट थे और एक लड़की थी आपके मोहल्ले में।
हाँ तो मिस्टर लाइट मी बत्ती अब तुम ये बताओ कि जिस वक्त पे तुम पार्लर में बैठ के अपना फेशियल करवा रहे थे उसी वक्त पे तुम्हारे घर पे चोरी हुई तो ये बात कि तुम्हारे घर पे उस वक्त कोई नहीं है वहाँ ताला लगा हुआ है ये तुमने पार्लर में किसी से बकी थी हाँ बकी थी मैंने इनके असिस्टेंट को वो बात बकी थी कि मेरे घर पे कोई नहीं है कब देगा घेटी दबा दू तेरी आ रहा है मैडम आ रहा है मेरे दिमाग में आपका आइडिया आ रहा है ऐसी जबरन सिचुएशन पे कचर कचौड़ी पकड़ पकौड़ी आइडिया आ रहा है तो कब देगा जब पकौड़ी में चटनी टपक जाएगी नहीं नहीं जरा कांति इधर लाइए इधर आ Excuse me. देखा करी ना किसी को शक भी नहीं हुआ कि लोगों को हम अपनी बातों में फंसा के उनसे ये पता करके कि उनके घर में कोई है या नहीं है घर में ताला लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है यहाँ अपनी बातों में बिजी करके उनके घरों में चोरियां करवाते रहे डैडी फोर्ट में मम्मी कोर्ट में अरे अब कोर्ट में तो बिलौटी जाएगी Excuse me. जी कहिए मेरा नाम लॉली है और मेरा नेचर बड़ा जॉली है और ये पॉप है लड़की बड़ी टॉप है ओहो यानी कि आप दोनों लॉली पॉप हैं देखिए हम यहाँ ना फेशियल करवाने आए तो प्लीज जरा जल्दी कर दीजिए ना हमें घर जाना है अरे 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 फेशियल तो हम तुम्हारा बहुत बढ़िया कर देंगे लेकिन ये बताओ अभी अभी तो आई हो इतने जल्दी घर क्यों जाना है चोटी बांध के आया हूँ दरअसल बात क्या है ना कि हमें यहाँ से बैंक जाना है वो बहुत सारा सोना है ना वो हमें बैंक के लॉकर में रखना है और सारा सोना घर की अलमारी में रख के आई हूँ और पता है घर पर कोई है ही नहीं पर हालांकि चोर आ भी गए तो उनको कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने अलमारी की चाबी अलमारी के ऊपर रखी है ओह अरे कितनी समझदार हो ओए माँ एक बात बताइए आप इतनी हसीन हैं आप बड़े नॉटी हो आइए 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 अरे अरे आइए आइए आ जाओ आ भाई अरे फंस गया तुम कहाँ रह गए अंडे बोल संडे टंपी ने बोला था कि सारा माल इसी अलमारी में और चाबी भी इसी अलमारी के ऊपर है रीता रतलाम में सोच क्या रहा है मंडे निकाल चाबी और उड़ा ले माल गीता कौन है हमारे स्टूडेंट मास्टरनी के पास तो आ जाओ अरे राजू थारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं क्यों ना हूं मास्टरनी जी मैं तो पूरा विज्ञापन सुना देगा यो व्हाई नॉट ट्रेन बस थोड़ा ऊपर कर ले इसको
मैडम हमारे को माफ कर दो, हम तो डंपी और करीना के लिए काम करते हैं। उन दोनों की टेंशन तुम ना लो, वो तो अब तक अरेस्ट भी हो गए होंगे, चोरी का सारा माल भी बरामद हो गया होगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, ज्वालामुखी चौटाला हो रखे हैं हम। दिखने में आइसक्रीम, फट जाए तो मम। है किसी में दम? बलौटी पे लगा इल्जाम गया हट इज द बिल्लू मामा का वजन टेंशन से गया घट इज द। हाँ बिलौटी आंटी, आप जब हवालात में थी ना तो इन्होंने तो खाना खाना ही छोड़ दिया था। पता है उनका सारा खाना मैं ही खा जाता था। पता है। ओ जी एक बात तो है, ओ जी आंटी जी आपके आने से ना मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मेरा वेल बड़ा खुश है। वेल इज माय वीकनेस। अच्छा हमारी बिटिया जेल से आई है, इस खुशी के मौके पे करो सब मुंह मीठा। ये लो, अरे लो बेटा, लो ज्वाला बिटिया तुम लो, लो लो मान ले बिटिया। और जमाई राजा, इस खुशी के मौके पे हमने तुम्हारे लिए स्पेशल चीज बनाई है, अंडे के छिलकों के लड्डू, जो तुम्हें बाद में खाने को मिलेंगे पल्लू घुमा के। अरे मम्मी हमारे बिल्लू के लिए तो आज अच्छे अच्छे पकवान बनाओ। ओए होए 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 होए। और आपके लिए खुशखबरी भी है, देखो सामने। मेरा स्कूटर। मैंने मारी मम्मी से कह दियो तो कि मारे जेल से आने के पहला हमारा बिल्लू का स्कूटर वापस ला दीजो, जो हमने 20,000 रुपए में बेच दियो तो। डैडी राजस्थानी है। वाह बिलौटी, तुमने मेरे लिए, अपने पति के लिए, अपने पार्लर की सारी मेहनत की कमाई मेरा स्कूटर वापस लाने में बिगाड़ दी। वाह बिलौटी वाह। दिमाग भर रही हो गई? मैंने हमारी ब्यूटी पार्लर से एक फूटी कोड़ी नहीं डाली यानी मैं। तो ये स्कूटर वापस कैसे आया? अरे तुम्हारी 2 तोला की सोने की चेन बेच डाली।